अक्सर लोग किसी नौके मादूम होने को अचानक और कभी कभार होने वाला वाकया तसव्वुर करते हैं, मगर हकीकत में मादूमियत एक मामूल का अमल होती है। जंगली हयात के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 10,000 अनवा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं, मगर WWF का कहना है कि मादूम होने वाले जानवरों की हकीकी तादाद हतमी तौर पर मालूम नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें अब तक यही मालूम नहीं कि दुनिया भर में कितनी अनवा पाई जाती हैं। आज हम आपको उन चंद जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि कभी कुर्रा यार्स पर भरपूर तरीके से पाए जाते थे, लेकिन अब ये मादूम हो चुके हैं। मिस वॉर्डन का रेड क्लोबस, हाल ही में मादूम हो जाने वाले इस दरमियाने साइज और सूख बालों वाले बंदर को सन 2000 की दिहाई के अवाइल से मादूम तसव्वुर किया जाता है। घाना और आइवरी कोस्ट की सरहद पर रहने वाला मिस वॉल्डन का रेड क्लोबस सबसे हैरतअंगेज जानवरों में से एक था, क्योंकि इसके अंगूठे नहीं हुआ करते थे। बड़े ग्रुपों की सूरत में ऊंचे दरख्तों के ऊपरी हिस्सों में रहने वाला ये नरम मिजाज जानवर इंसान की जानिब से जंगलात की कटाई के सबब अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करने पर मजबूर हुआ। जब जंगलात सुकड़ने लगे तो रेड क्लोबस के ग्रोह भी छोटे होते गए, जिससे इनके लिए शिकारी जानवरों का खतरा भी बढ़ा और आपस में अफजाइश नस्ल के सबब जीनियाती कमजोरियाँ भी फरोग पाने लगी। यंगसी रियर डॉल्फिन, बेजी कहलाने वाली चीन के यंगसी रियर डॉल्फिन दुनिया के कदीम तरीन ममालिया जानवरों में से एक तसव्वुर की जाती थी। सन 2006 में मादूम करार दी जाने वाली यंगसी रियर डॉल्फिन एक फीके खाकस्तरी रंग की ममालिया थी, जो समंदर में तैरते अपने कजन्स के मुकाबले में निस्बतन कम पुरवकार दिखाई देती थी। इसके सादा से जिस्म के नीचे इंतहाई इर्तका याफ्ता इकोलोकेशन सिस्टम मौजूद था, जो कि दीगर डॉल्फिन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बर्तन था। इसका यह निज़ाम इतनी बारीकी से काम करता था कि यह इकलौती मछली तक की लोकेशन मालूम कर सकती थी, मगर इसकी यही हसासियत इसके लिए उस वक्त खतरा बनी जब दरिया में छेरों की कश्तियों, कंटेनर्स बरदार जहाज़ों, ट्रॉलरों और इंसानों की फैलाई गई आलूदगी से भर गया। कैरेबियन मॉक्सल, खित्ता कैरेबियन का यह मुकामी दरियाई बिछड़ा किसी ज़माने में वस्ती अमरीका के मशरकी किनारे, जनूबी अमरीका के शुमाली साहिलों और खलीज मैक्सिको में पाया जाता था, मगर इनकी चर्बी में पाए जाने वाले तेल के हसूल के लिए इनका बेरहमाना अंदाज में शिकार किया गया। क्योंकि इनकी गजा बनने वाली मछलियों के बेतहाशा शिकार की वजह से बच जाने वाले दरियाई बिछड़ों के लिए खुराक की कमी हो गई थी, इन्हें आखिरी मरतबा सन 1952 में जमीका और निकारागवा के करीब सरानिला कनारे के करीब देखा गया था। अलबामा पिक्टो, ये मासूम सा नजर आने वाला सीप सन 2006 तक अमरीकी रियासत अलबामा के दरियाए मोबाइल में पाया जाता था। इसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यह सूअर के पैर जैसा दिखाई देता था, मगर यह आलूदा दरिया का पानी फिल्टर किया करता था, मगर आलूदगी फिर इतनी ज़्यादा हो गई कि पिक्टू इसे मजीद न झील पाया। इस नन्ही सी मखलूक के खात्मे ने पानी के बारे में कई तलख हकाइक से पर्दा उठाया है, जो फैक्ट्रियों के जहरीले मादों से आलूदा हो रहा था और दरिया के साथ रहने वाले अफ्रीकी अमरीकी बिरादरी में हलाकत अंगेज बीमारियों का सबब बन रहा था। डोडो, सबसे मशहूर मगर मादूम परिंदा होना शायद एक अजीब सा एजाज हो, मगर डायनासोर के अलावा डोडो एक तवील अरसे से मादूम हो चुकी ऐसी नस्ल है जिसे सभी जानते हैं। कार्टून किरदार डेफी डक जैसे दिखाई देने वाला यह परिंदा किसी ज़माने में जजीरा मॉरिशस पर रहा करता था। उड़ न सकने वाले इस परिंदे के फितरत में कोई शिकारी नहीं पाए जाते थे। जब इंसान मॉरिशस तक पहुँचे तो अपने साथ दीगर जानवर और गोश्त के लिए अपनी भूख भी अपने हमरा लेकर आए। इनके सामने डोडो ज़्यादा अरसे तक बाकी न रह सके। आखिरी डोडो 18वीं सदी के अवाइल में हलाक हुआ। स्टेलर सिकाओ, ये समंदरी गाय मेनाटी और डोगोंग की तरह ही नजर आती, मगर ये इनसे कहीं ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। स्टेलर की समंदरी गाय का साइज तो 9 मीटर तक भी हो सकता था। माना जाता है कि इनका खात्मा शिकार और इनके गजाई माहौल में तब्दीलियों की वजह से डोडो के मादूम होने के कुछ ही अरसे बाद हुआ। बेचारे क्वागा की गैर मामूली खूबसूरती ही इसकी मादूमियत की वजह बनी। इस दिलावेज अफ्रीकी जानवर का सामने का आधा हिस्सा जेब्रा की तरह धारीदार था, मगर ये धारियां पीछे की जाने मिटती मिटती खत्म हो जाती और पिछला हिस्सा घोड़े की तरह सादा और भूरा होता। इसकी हैरानकुन वजह की वजह से इसका इस कदर गैर कानूनी शिकार किया गया कि यह मादूम होते गए इनमें से आखिरी सन 1880 की दिहाई में कैद में हलाक हुआ। खत्म हो जाने वाली जबरदस्त अनवा में से ज्यादातर उन जानवरों से करीब तर थी जिन्हें हम आज जानते हैं, मगर बस थोड़ी सी अजीबोगरीब हुआ करती। मिसाल के तौर पर मेमत को देखें, जो बालों से ढके हुए किसी अजीम अलजस्सा हाथी की तरह लगते हैं। इसी तरह आयरिश एक या आयरिश हिरन आज मौजूदा हिरन जैसा ही दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये 2 मीटर तक बुलंद हो सकते हैं, जबकि इनके सींगों का फैलाव 3.6 मीटर तक होता। इनका खात्मा तकरीबन 7,700 साल पहले हुआ और मुमकिन तौर पर इसकी वजह शिकार और तब्दील होता हुआ मौसम बना। सफ़ेद दुम वाले उकाबों को 20वीं सदी के अवाइल में बरतानिया में तकरीबन मादूमियत तक पहुंचा दिया गया था, मगर ज़्यादा अरसे के लिए नहीं। तकरीबन 2 मीटर तक परों का फैलाव रखने वाले इस शानदार परिंदे का बरतानिया में कई साल तक बेरहमाना अंदाज में शिकार किया गया, मगर खुशकिस्मती से सफ़ेद दुम वाले उकाब यूरोप में दीगर जगहों पर बसते थे और इन्हें बरतानिया में दोबारा मुतारफ़ करवाना मुमकिन हो सका।
YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।